तरीका होता है किसी भी चीज को ढंग से पढ़ना, समझ के पढ़ना। अब आपने ये समझ के पढ़ा कि इसका इससे कैसे रिलेशन है, तो हुआ क्या कि अगर इसमें मैंने क्वेश्चन चेंज किया, किसी भी स्टूडेंट से गलती नहीं हुई, आपने सही आंसर किया। लेकिन इसी चीज को अगर आप रटते कि अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज आप करोगे, रटोगे, एग्जाम हॉल पे आप जा रहे थे, रास्ते में लड़ाई हो गई, आप भूल गए आप इंक्रीज में डिक्रीज था कि डिक्रीज में इंक्रीज था। अब जैसे चार ऑप्शन आ गए, दिमाग आपका माथा गर्म होने लगा, और फिर आप या तो तुक्का मार रहे हो ऐसे ऐसे गोल गोल करके, ओम नमः शिवाय जय माता दी अंकर बकर हमें बोल, या तो अपने बाल मोच रहे हो कि डिक्रीज था इंक्रीज था। तो ये होता है रटना। अगर आपने समझ के पढ़ा तो आपको पता है कि इंक्रीज में क्या हो रहा है, डिक्रीज में क्या हो रहा है। अगर कहीं में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपने एग्जांपल याद कर लिया, सर ने एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल से आपको क्लैरिटी हो गई है कि नहीं। तो ये पढ़ने का एक सही तरीका होता है कि आप रास्ते में लड़ लो, आप एग्जाम देने जा रहे हो लड़ लो, तभी आप कुछ भूलोगे नहीं। मैं आपको एक पर्सन का कोट कर रहा हूँ, एक पर्सन था वो एग्जाम देने जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट तक हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद वो पर्सन था, उसने इतना देखा कि मैं एग्जाम दे सकता हूँ नहीं दे सकता, वो एग्जाम देने गया, उसने एग्जाम क्रैक कर दिया। वो एग्जाम नॉर्मल नहीं था, वो आईपीएस एग्जाम उसने क्रैक किया, उसका नाम था क्रैक। रास्ते में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी, उसकी तैयारी थी, घटना नहीं था, समझ के पाए ताकि एग्जाम में आप 100% अटेम्प्ट कर पाए। नहीं तो एग्जाम में क्या होता है, स्टूडेंट मैथ मैं पढ़ाता हूँ मुझे पता है कितना सिली मिस्टेक होता है, प्लस था या माइनस था, अपने आप को मार रहे हैं, नोच रहे हैं बाल, क्या था प्लस था या माइनस था यार, क्या था क्या था। अगर आपने सही से पढ़ा तो आप उसको साइलेंटली करोगे, आपको आसपास लोग दिखेंगे ऐसे मारते हुए पीटते हुए अपने आप को, कंफ्यूजन आ गया उनको। तो इसलिए पढ़ने के तरीके में चेंजेस करने हैं। देखिए आपका सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको थोड़ा स्मार्टली जाना पड़ेगा, सेम तरीके से नहीं, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को मारो पीटो नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं। ध्यान दोगे अच्छी बात है, तो देखोगे आप कोई किसी को मार रहा है। अब जो मेरा स्टूडेंट मुस्कुराते हुए पेपर देता है, क्योंकि कंफ्यूजन रखना ही नहीं उसके अंदर, पढ़ाने का तरीका ऐसा है, उसको पढ़ने का तरीके में चेंज करना है कि नहीं। इसलिए अटेंटिव रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि एग्जाम हॉल में ये सब परेशानी ना हो। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा था, क्योंकि आप ही ने आंसर गलत किया था डिक्रीज वाला, फिर आपने उसको सही कर लिया, मैं आपका वेट कर रहा था, ठीक है जी। तो इस टाइप से तरीका रखिए अपने पढ़ने का। चलिए आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसकी टाइम पीरियड क्या होगा, 48 आवर्स, तो 48 आवर्स के बाद मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।